Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. स्टूडेंट चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल रीजनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि रीजनिंग आखिर क्या हो। तो रीजनिंग जनरली आप कहते हैं कि किसी भी चीज को हम रीजनिंग करेंगे, इसका क्या रीजन है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एन ऑब्जेक्ट और स्टेटमेंट। तो रीजनिंग में स्टूडेंट आप क्या करते हैं, किसी भी चीज को देखते हैं कि वो चीज सही है गलत है, सही है तो क्यों सही है, ट्रू है तो क्यों ट्रू है, फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है। तो ये सारा जो भी प्रोसेस होता है ये रीजनिंग का प्रोसेस होता है। और इसके लिए आप क्या करते हैं, अपने माइंड को अप्लाई करते हैं, कुछ प्री कंसीव हमारे पास रूल्स होते हैं, अगेन जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे नेचुरल रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम किसी भी चीज को देखते हैं कि वो कैसे वैलिडेट होता है, क्या क्यों ट्रू होता है, क्यों फॉल्स होता है। एंड मैथमेटिकल रीजनिंग के अंदर भी हमारे पास कुछ प्री कंसीव रूल है जिनके अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि कोई चीज ट्रू है तो क्यों ट्रू है, कोई चीज फॉल्स है तो क्यों फॉल्स है, क्या रीजन है उस चीज का, वो रीजनिंग में हम देखेंगे। अब उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पर माइंड के एप्लीकेशन करते हैं। एंड अगेन अब मैं एक सिंपल एग्जांपल ले लूं, देर आर सो मेनी स्पीशीज, आप देख सकते हैं कि ह्यूमन स्पीशीज है, अगेन लॉयन, देन यहाँ पे चिंपांजी एंड एलिफेंट, तो ये स्पीशीज है। बट फिर भी इन स्पीशीज के अंदर स्टूडेंट ह्यूमन को सुपीरियर कहा जाता है, क्यों, क्योंकि उसके पास जो है ब्रेन है, बाकी लोगों के पास भी ब्रेन है लेकिन यहाँ पर जो है ज्यादा एडवांस ब्रेन जो है सारी स्पीशीज में वो ह्यूमन का होता है, उसे अप्लाई करना आता है, वो हर चीज को रीजन करके देखता है कि क्यों कैसे किस लिए, यही हमारी मैथमेटिकल रीजनिंग में हमने करना है। सो द मेन थिंग दैट मेड ह्यूमन सुपीरियर वो क्या है, दूसरी स्पीशीज से जो सुपीरियर करती है वो है एबिलिटी टू रीजन, उनके रीजन करने की एबिलिटी जो उनका माइंड उन्हें देता है। तो एबिलिटी टू रीजन को ही क्या करते हैं स्टूडेंट, ये एबिलिटी ऑफ रीजन ही सुपीरियर बनाती है इस स्पीशीज को। और ये एबिलिटी ऑफ रीजन भी स्टूडेंट हमें को एक साथ नहीं मिली, ह्यूमन एवोल्यूशन में अगर हम यहाँ देखें, ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर पहले हम इस तरह के थे एप्स में, देन हम इवॉल्व हुए, देन और इवॉल्व हुए, देन और इवॉल्व हुए और आज एक मॉडर्न मैन के में इवॉल्व हो गए। और इन्हीं के साथ साथ स्टूडेंट हमारा यहाँ पे क्या हो गया, माइंड की जो ग्रोथ थी, माइंड की ग्रोथ भी बढ़ती जा रही है। तो होमो सेपियंस अब हमारी स्पीशीज है, इसका माइंड भी क्या हो रहा है स्टूडेंट, बढ़ता जा रहा है और ये बेटर रीजन करता जा रहा है। तो ये रीजनिंग भी हमारे एवोल्यूशन के साथ साथ ये एबिलिटी, हमारा माइंड जो है इसकी एबिलिटी बढ़ती गई और इसी एबिलिटी से हम किसी भी चीज को रीजन कर पाते हैं। बट एग्जैक्टली मैं मैथमेटिकल रीजनिंग क्या होती है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है एंड किस तरह से हम ये करेंगे, तो वो हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में।